सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज अपने पास है हिमालयन 2022 जो कि अपडेट होके जो भी कुछ हल्के फुल्के से कुछ भी इसमें चेंजेस हुए हैं तो उसके साथ ये गाड़ी आई है। कलर ऑप्शन की भी बात करेंगे, प्राइसिंग की भी बात करेंगे और जो कुछ भी अपने को उसमें फीचर मिलते हैं जैसा कुछ रहता है तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, मतलब काफ़ी कनेक्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए और काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर अपन देखेंगे ना तो स्पोक व्हील अपने को इसमें मिलते हैं क्योंकि वही एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है। और ग्रेडिंग की अगर अपन बात करें ना तो उसकी ग्रेडिंग अपनी रहती है 90-90-21। तो 21 इंचेस का अपने को इसमें फ्रंट वाला व्हील मिलता है और ट्यूब वाला टायर है, मतलब ना रिम वाला स्पोक व्हील वाला। प्लस इसकी जो थिकनेस देखोगे ना, मतलब वो भी आप लोगों को एडवेंचर कैटेगरी की बाइक के अकॉर्डिंग ही मिलने वाली है। टेलीस्कोपिक अपने को उसमें सस्पेंशन मिलता है, ड्यूल मडगार्ड वाला अपने को उसमें लुक मिलता है। सॉरी ना, मैं ये वाला वीडियो वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी थी इस वजह से, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ड्यूल अपने को मडगार्ड मिलता है, इसी टाइप का अपने को मडगार्ड स्क्रैम 411 में भी मिलता है, पर इसमें आप लोगों को ये बीक वाला लुक अलग आ जाएगा। ये अपनी आ जाती है हेडलाइट जो कि हेलोजन में होने वाली है, प्लस ये पार्किंग बल्ब जो कि चलेगा तो ये अपना रहने वाला है LED में। बाकी जो मेन बल्ब है वो आप लोगों को होने वाला है हेलोजन में। उसके अलावा कुछ इस टाइप के अपने को इसमें इंडिकेटर मिल जाती हैं, ये भी हेलोजन ही है। विंड स्क्रीन अपने को मिल जाएगी जो कि हाईवे टूरिंग के लिए, मतलब ना विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग के ऊपर। तो 300 mm के अपने को इसमें फ्रंट डिस्क मिलती है और ड्यूल चैनल अपने को EBS मिलता है। यहीं पर अपने ऊपर रिफ्लेक्टर की प्लेसिंग आ जाती है। ये आपका है पूरा रेडिएटर का छोटा सा रेडिएटर। उसके अलावा यहाँ पर अपने को ना ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही स्टील की बैच प्लेट अपने को अभी मिल रही है मेटल वाली, तो ये भी बढ़िया है, काफ़ी मतलब यूज़फुल रहती है। इस टाइप में अपने को यहाँ पर गार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि आपके टैंक को प्रोटेक्ट करता है, पर नीचे के लिए आप लोगों को आफ्टर मार्केट पूरा इसका ना बहुत सारी कुछ एक्सेसरीज अवेलेबल रहती है मार्केट में, वो चीज़ आप लोग चेंज करवा ही सकते हो। यहाँ पर अपना ये फाइबर का कवरिंग आ जाता है, इस पर अपने को हिमालयन की बैजिंग देखने को मिलती है। रियर में कुछ इस टाइप का अपने को ग्रेवरल मिलता है, इसके ऊपर यहाँ पर अपना ये एक अपना टॉप बॉक्स लगाने के लिए ना रैक भी मिलने लग गया है जिसकी मैक्स लोड कैपेसिटी 7 kg अपने को लिखी हुई यहाँ पर मिलेगी। रियर की अगर अपन देखें तो रियर का टेल लैंप कुछ इस टाइप का अपने को उसमें मिलता है और इंडिकेटर वही अपने नॉर्मल हेलोजन वाले। पीछे का मडगार्ड की अगर अपन बात करें तो ये इस टाइप का रहता है और नंबर प्लेट वाला पार्ट कुछ ये रहता है जो कि हो सकता है रिमूवेबल हो, उस पर आई एम नॉट श्योर। कुछ इस टाइप का अपने को एग्जॉस्ट मिलता है, वही सेम स्क्रैम वाला। ये अपनी मेटल कवरिंग भी मिल जाती है एग्जॉस्ट के लिए। ये अपना मास्टर सिलेंडर आ जाता है यहाँ पर और इसके लिए बिना कवरिंग का पार्ट एक एसेसरीज में, पार्ट ऑफ एसेसरीज में रहता है जो ये भी कवर कर सकते हो। वैसे भी अगर इसको आप पार्ट कुछ ना लगाओ तो भी ना, अगर गाड़ी बाइक आपकी गिरती है फॉल होती है तो अगर आप आफ्टर मार्केट फ्रंट वाला ये वाले पार्ट का गार्ड लगाते हो और मतलब ये डैमेज नहीं होगा कुल मिला के। बात ये है, ये अपने फुट पैक्स आ गए जो कि अपना वही क्रोकोडाइल टूथ वाले हैं, जैसा कि अगर अपन बूट्स वगैरह पहन के ऑफ रोडिंग करते हैं तो स्लिप ना होगा और ग्रिप अच्छी आप लोगों को मिलेगी। सेडलिंग के लिए भी काफ़ी ना यूज़फुल रहता है ये। कुछ इस टाइप का अपना ना पिलियन के लिए फुट पैक आ गया। रियर के टायर की अगर अपन ग्रेडिंग की बात करें ना तो रियर का टायर अपने को तो C8 का मिलता है और 120-90-17, तो 17 इंच का अपने को पीछे रहता है और 21 का आगे रहता है। तो बाइब्री के अपने को उसमें ब्रेकिंग मिलती है और 240 mm का रियर अपने को डिस्क मिलता है। इसमें सेंटर स्टैंड भी आप लोगों को मिल जाता है जो कि स्क्रैम 411 में नहीं है। तो इसके बाद ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ स्क्रैम 411 और आपकी हिमालयन का एक कंपैरिजन वीडियो कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और अगर अपन इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन की बात करें ना तो एक तो अपने को ये रबड़ कवरिंग मिल जाती है जो कि ना आपकी जो ऑयल सील रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। उसके अलावा जो उसका ट्रैवल है ना, तो ये वाला जो अपना ट्रैवल है ये अपने को मिलता है 200 mm का। तो ये भी ना जिस कैटेगरी की बाइक है हिमालयन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही रहने वाला है ना ये। और हिमालयन की एक सबसे अच्छी बात और ये है कि इसमें अपने को मिलता है स्विचेबल ABS जिसको अपन ऑन और ऑफ अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोग स्विच कर सकते हो। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर अपन बात करें ना तो 15 लीटर का अपने को इसमें फ्यूल टैंक मिलता है जो कि इस कैटेगरी की बाइक के लिए काफ़ी अच्छी है। ये रही अपनी स्क्रैम। अब बात करते हैं अपन इंजन की, तो इंजन अपने को इसमें मिलता है 411 cc का जो कि प्रोड्यूस करता है 34.31 bhp का पावर और 32 nm का टॉर्क। तो ये हुई अपनी पूरी कंपनी डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके अपन जो MID में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को ये पूरी 3 या 4 स्क्रीन मिलती हैं। ये अपना नॉर्मल सारा कुछ डिटेल्स हुई। RPM मीटर आपका, ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, इसमें सारा नेविगेशन रिलेटेड और अपना जो भी फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ हो जाता है इसमें। ये अपना गियर इंडिकेटर हुआ और ये आपका हुआ फ्यूल गेज
उसके अलावा यहाँ पर अपनी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ये दो अपने को यहाँ पर स्विचेस मिलते हैं इसको चेक करने के लिए। उसके अलावा अगर इसमें देखेंगे तो अपनी पूरी टोटल स्पीड आ गई। उसके बाद अपन देखते हैं तो ये अपना टेम्परेचर आ गया 35, क्लॉक आ जाती है, ऑडोमीटर ये आपका आ गया, और ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, जो कि ट्रिप एफ वही अपना रिजर्व वाला सीन है। तो ये सब कुछ हुई, इस टाइप की कुछ अपने को की मिलती है वही रेगुलर रॉयल इनफील्ड वाली। और ये अपना इग्निशन स्विच हुआ, और हैंडल बार की पोजीशन अगर आप देखोगे तो हैंडल बार और जो सारा इसमें जो फिट एंड फिनिश है, कलर ऑप्शन इसमें बहुत सारे आ चुके हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्विचेस की अगर अपन देखें तो स्विचेस में अपने को ये अपना हाई बीम, लो बीम, पास रिपर, इंडिकेटर और आपका हॉर्न, और राइट साइड पे देखेंगे तो किल स्विच, आपका हजार्ड लैंप मिल जाता है इसमें अपने को इनबिल्ट, और ये अपना हेडलाइट का स्विच, और ये अपना स्टार्टर आ गया। आप हजार्ड लैंप भी आप लोगों को ऑन करके दिखा देते हैं किस टाइप का अपने को उसमें हजार्ड लैंप के साथ लुक मिलता है। रियर की बात करते हैं अपन, तो रियर से आप देखने में कुछ इस टाइप का है, और जो टेल लैंप है ना ये भी अपने को इसमें एलईडी मिलने वाला है, और ये नंबर प्लेट का बल्ब जो है ये भी आप लोगों को एलईडी ही मिलने वाला है। कुछ इस टाइप का अपने को साड़ी गार्ड मिल जाएगा जो कि रिमूवेबल है, और चेन कवर जो है वही अपना प्लास्टिक वाला मिलने देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये तो हुई आप लोगों की कंप्लीट डिटेल बाइक के बारे में कि क्या कुछ मिल रहा है, क्या पावर है, क्या फिगर्स है। अब बात कर लेते हैं कलर्स की कि कितने कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। टोटल 6 कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहती है अपने को। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और कलर के अकॉर्डिंग क्या क्या प्राइस रहती है उसके बारे में। आप लोगों को दिखा देते हैं अपना हिमालयन में कितने कलर ऑप्शन है। तो टोटल इसमें आप लोगों को मिलता है 6 कलर ऑप्शन। तो सारा कुछ इस तरह से आप लोगों को ये मतलब ना आजकल टैब डिजिटल ब्रोशर कह सकते हो आप इस लोगों को इसको। और ये जो अपनी प्राइस चल रही है ना ये ऑन रोड जयपुर आ रही है, हल्का फुल्का डिफरेंस आप लोगों को इसमें भी मिल सकता है, ज़्यादा नहीं 200-500 रुपये का फ़र्क कुछ होगा तो होगा। तो सबसे पहले अगर अपने पास है ये मिराज सिल्वर, मैट सिल्वर में आएगा ये पूरा ना। उसके बाद आता है ये अपना ग्रेवल ग्रे, ये भी मैट में ही है, और प्राइस आप लोग चेक करते रहना अपने आप। ये है पाइन ग्रीन जो कि अपना कैमोफ्लेक में आता है, और इसकी और जो बाइक अपन वीडियो में कवर कर रहे हैं ना इसी की प्राइस ना बाकी मॉडल से अलग है, मतलब कलर से अलग है। तो ये है आपकी 270 696। इसके बाद आता है लेक ब्लू, ये अपना ड्यूल में टैंक आ जाता है इसका, इसी के साथ ही आ जाता है ब्लैक रेड वाला। इनका दोनों का रेट सेम है ना, 266-345। और ये अपना आ गया जो अपन ने वीडियो में बात कर रहे हैं ग्रेनाइट ब्लैक, तो ये है अपना। इसमें भी ड्यूल शेड ही है, आधी टंकी ग्लॉस है और हाफ पूरा पार्ट फिर मैट है, ये आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों का आ जाएगा जो कि कस्टम अपन करवा सकते हैं रिजर्वायर कैप। उसके अलावा आपका ये ऑयल फिलर कैप आ गया, ये ब्लैक है और ये क्रोम है, बस इतना ही फ़र्क है। और हैंडल बार के ऑप्शन भी ये अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये अपने ना बार एंड जो बार एंड वेट्स आते हैं ना वो भी हैं अलग ही। तो ये सब कुछ ये हुआ, और प्राइसिंग आप लोगों ने इसकी सारे कलर्स के अकॉर्डिंग चेक कर ली। तो ये और जो अपना कैमो वाला है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ना उसकी जो प्राइस है इस वाले की, तो ये अपनी रहती है 270 696। तो होप कि आप लोगों के सारे कलर के रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर हो ही चुके होंगे। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। और इसी तरह के रेगुलर आप लोगों को इजी लैंग्वेज में वीडियो ना अपने चैनल से देखने को मिलने वाले हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। बाय बाय।